अभी मैं हूँ किना ब्रिज प्रोजेक्ट जाने के जो रास्ता है, जो अप्रूव रोड है, एक्सिस रोड है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बहुत ऊंची पहाड़ियों के बीच में, तो पहाड़ियों को काटकर जो ये रोड बनाया गया है, ये रोड काफ़ी नैरो है और यहाँ से जो है गाड़ी इक्विपमेंट्स और कंपोनेंट्स को जो है यहाँ से पार करने के लिए काफ़ी मुश्किल है। तो आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे ही छोटा छोटा बारिश होता है, बारिश होते ही यहाँ पे जो है लैंड स्लाइडिंग हो जाता है। आप देख पा रहे हैं बड़े बड़े जो डेब्रिज है ऊपर से स्लाइडिंग होकर जो है रोड में गिरे हैं, जिसके चलते जो है शायद बड़े जो फोर व्हीलर वाहन हैं उनको आवागमन में कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम होगा। आप देख पा रहे हैं इधर के रोड, और इसके यही नहीं बल्कि ये पहाड़ियों में जो है कटिंग करके जो इसको वाइडनिंग करना रोड को, बिकॉज देर इज नो अदर अल्टरनेट रोड। तो जब आप ये रोड का जो इसको जो मरम्मत का काम शुरू करेंगे या इसको और चौड़ा करने के जब भी काम शुरू करेंगे, तो आपको जो है इस रास्ते आने वाले सारे गाड़ियों को जो है बंद करके, दोनों तरफ से बंद करके फिर से काम चालू करना पड़ेगा, जो दोनों तरफ से जो है काफ़ी लंबे लंबे कतारें लगने का भी डर होता है। तो आप देख पा रहे हैं उस दूर उस तरफ भी जो है रोड का काम चल रहा है, जो है बहुत सारे जो ग्रिप बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे जगह जहाँ पे स्लाइडिंग होकर रोड ब्लॉक हुआ है उन रोडों को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। अलग अलग जगह में आपको छोटे छोटे आवाज़ें भी आ रहा होगा कहीं इक्विपमेंट चलने का। तो ये है चिनाब ब्रिज जाने का रास्ता। जैसा कि आपको पता है पूरा ही जो जम्मू कश्मीर है ये जो है पूरे पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है, तो इन पहाड़ियों एक खूबसूरत वादियों के बीच में जो है आप देख पा रहे हैं दोनों तरफ बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ियां हैं, और इन पहाड़ियों के बीच में जो है नीचे से चिनाब नदी बहती है जो जम्मू कश्मीर की जो एक मेजर रिवर है। तो दूर आप देख पा रहे हैं वहाँ पे जो है वो आता है रियासी का इलाका, और उससे आगे का जो पहाड़ी के उस पार जो शुरू होता है जम्मू के बाद अखनूर सेक्टर होते हुए जो है पाकिस्तान शुरू हो जाता है। आप बॉटम की ओर देख पा रहे हैं जो काफ़ी पोल्यूटेड यानी कि धूमिल जो पानी नज़र आ रहा है वो है चिनाब का पानी, और इसके ऊपर में कहीं अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे जो है एक डैम है, इसको सलार हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है इंडिया का। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया। आई थिंक दिस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वॉज एस्टेब्लिश और कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर 1964-68। तो जिसके चलते जो है पानी ब्लॉक है, उधर से अल्टरनेट चैनल के थ्रू जो है आगे की ओर छोड़ा है, तो इधर छोटा सा आपको पानी दिखाई दे रहा है। तो इसके आसपास के जो पहाड़ियाँ, और मैं दिखा दूँ आपको ये जो उस पार में आपको रोड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो है जगह जगह पर बारिश के बाद जो है लैंड स्लाइडिंग से पूरा ही रोड ब्लॉक हुआ है, और रोड को जो है दुरुस्त करने में BRO यानी ग्रिप बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के इक्विपमेंट्स और उनके जो कर्मचारी और स्टाफ लोग जो है लगे हुए हैं। तो कितना मुश्किल है इन पहाड़ों में रोड बनाना, और इन नैरो रोड के थ्रू जो है इक्विपमेंट्स और कंपोनेंट्स को ट्रांसपोर्ट के ले जा करके ले जाना, क्योंकि जब कभी भी आप ऐसे रिमोट लोकेशन में मेगा प्रोजेक्ट्स करते हैं तो इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए यू हैव टू फेस सो मेनी चैलेंजेस लाइक रोड प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम एंड अदर। तो आप देखा कि इतना नैरो रोड में जो है कैसे
कितना मुश्किल होता है कि इन कंपोनेंट्स को जो है ट्रांसपोर्ट करके ले जाना।